वेलकम डियर रॉकर्ट्स, आज हम एक बहुत ही खास शॉर्ट फिल्म लेकर आए हैं। इस छोटी सी मूवी का नाम है द ब्लैक होल। एक आदमी गलती से नॉर्मल कागज पर एक ब्लैक होल को प्रिंट कर देता है, लेकिन उस ब्लैक होल में क्या छुपा हुआ है, चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में एक आदमी अकेला ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा होता है। वो बहुत ही थका हुआ होता है और उसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने होते हैं, लेकिन प्रिंटर खराब हो जाता है। वो बहुत ही नर्वस हो जाता है और प्रिंटर पर लात मारने लगता है। कुछ देर बाद प्रिंटर अगला पेज प्रिंट करता है, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक बड़ा ब्लैक सर्कल होता है। वो आदमी हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। वो उस पेपर को एक और रख देता है, फिर वो प्रिंटर का कवर खोलकर चेक करता है कि आखिर प्रिंटर को क्या हुआ है, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक ठाक लगता है। उसको वैसे भी बहुत नींद आ रही होती है और वो अपनी कॉफी पीकर उस ब्लैक सर्कल वाले पेपर पर गास रख देता है। लेकिन ये क्या हुआ, उसका कप गायब हो जाता है। वो तुरंत चौंक जाता है और नीचे बैठकर उस ब्लैक सर्कल पर अपनी उंगली रखता है। तभी ब्लैक सर्कल बहुत तेज वाइब्रेट होने लगता है। अब तो उसके डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और डर के मारे वो आसपास देखता है, लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। वो अपना हाथ सर्कल पर रखता है और उसका हाथ बिना रोक टोक के अंदर जाने लगता है। वो उस ब्लैक होल के अंदर से अपना कॉफी ग्लास निकाल लेता है। उसका हाथ और कॉफी ग्लास दोनों एकदम ठीक होते हैं। वो ग्लास को एक और रखकर अपना हाथ उस पेपर के अंदर घुसाता है तो वो ब्लैक होल में गायब हो जाता है और पेपर के उस तरफ नहीं निकलता। उसकी थकान अब मिट जाती है और उसका उत्साह बहुत बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर जरा खुशी भी नजर आती है। अब वो उस पेपर को स्नैक्स मशीन पर रखता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है कि कोई अचानक अंदर ना आ जाए। फिर वो अपना हाथ ब्लैक होल में डालता है। वो विश्वास ही नहीं कर पाता कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। उसका हाथ स्नैक्स मशीन के अंदर जाता है और वो एक स्नीकर भी उठा लेता है और बड़े मजे से स्नीकर खाते हुए सोचता है कि इस ब्लैक होल से और क्या क्या किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा एक ब्लैक होल आपके हाथ लगता है तो आप क्या करते, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यहाँ इस आदमी की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली दरवाजे के पास जाकर हैंडल के पास ब्लैक होल पेपर को रखता है, फिर अपना हाथ उसमें घुसाकर अंदर से लॉक खोल देता है। वहां पर एक लॉकर होता है। वो लॉकर के पास जाकर वो काम करता है जो उसने सपनों में भी नहीं सोचे थे। वो ब्लैक होल पेपर को लॉकर के दरवाजे पर टेप से चिपका देता है और फिर धीरे से लॉकर के अंदर अपना हाथ घुसाकर करेंसी नोट्स की एक तगड़ी गड्डी निकालता है और फिर बिना मेहनत किए इतने सारे नोट पाकर वो अपनी किस्मत पर बेहद ही खुश होता है। वो एक बार गहरी सांस लेता है। अब वो खुद को रोक नहीं पाता और एक के बाद एक नोटों की गड्डियां निकालने लगता है। उसका माथा पसीने से भर जाता है। लालच उसके दिल और दिमाग पर हावी हो चुका है। अब वो अपने घुटनों के बल बैठकर जानवर जैसा व्यवहार करने लगता है। वो लॉकर के निचले हिस्से तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो अपने हाथ पर इतना जोर देने लगता है कि उसके मुंह से लार टपकने लगती है। इस स्थिति में वो खुद को ही भूल जाता है और उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो लॉकर के अंदर चला जाए। वो अपना पूरा शरीर ब्लैक होल में घुसा देता है। ब्लैक होल पूरी तरह से उसे लॉकर के अंदर खींच देता है और इसके तुरंत बाद वो टेप भी निकल जाता है जिससे ब्लैक होल पेपर लॉकर पर चिपका हुआ था, और पेपर भी नीचे गिरकर मुड़ जाता है और इस वजह से ब्लैक होल बेकार हो जाता है। अब वो आदमी लॉकर के अंदर ही फंस जाता है और हताश होकर अंदर से दरवाजे पर पेटने लगता है। लेकिन ऑफिस में कोई नहीं होता क्योंकि सारे एम्प्लॉयज काम खत्म करके बहुत देर पहले ही अपने घर जा चुके हैं। अब ऑफिस में सिर्फ एक ही आवाज आ रही है और वो है प्रिंटर के चलने की आवाज। और दोस्तों, इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, ये देखकर आपने क्या फील किया, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।